जेड़े असें 8 वट्टे जां 8 रुकन जां 8 अरकान 8 अफाइल देखे आ हुणे अरूज दे विच, इन्हां दे नाल अगे 19 बैरां बनाइयां जांदियां। तुसीं भी सोचदे होणे भी इन्ने बैलेंस आ, इन्ने छंद आ, इन्नियां सारियां चीज़ां किद्दां 19 दे विच फिट हो जाऊगियां। उहदे लई आपां एक होर शब्द सीखना, जिहाफ। जिहाफां वो चीज़ आ जदों आपां जेड़े ये रुकन ने, जेड़े आपां 8 रुकन सीखे आ, इन्हां दी कांटी शांटी करके जदों आपां इन्हां दा बैलेंस बदल दिंदे आ तां बैर दा नाम उही हुंदा, पर उहदे नाल जिहाफ दा नाम लग जांदा। हर एक जिहाफ का ना आ कि जिदा आप कह दीए कि जे फा इला तुन दिया, वो फा कट्टना कि तुन कट्टना कि कितना रखना कि विचारले इला बदलना। प्रोफैसर जोगिंदर सिंह हुणा ने कहा कि लगभग 40 के हिसाब नाल पंजाबी दे विच जिहाफा लगदियां, पर है जिहाफा बहुत, क्योंकि कोई भी बंदा जदों तुसी कोई भी शेर बनाने आ, जे तुहाडा शेर आपस में बैलेंस होया तां अरूज ऐसी चीज़ आ कि उहदे उत्ते कोई ना कोई बहर लागू हो जानी आ, ते तुसीं उस बहर दा कोई ना कोई उहनूं जिहाफ ला के किते ना किते उहदे विचों कांटी शांटी करके उन किसी ना किसी बहर दे विच आ जाना। ते फिर उस तों बाद तुसीं उहदी अगली लाइन किद्दां बनाने, उह तुसीं पहली दे हिसाब नाल बनानी आ। ते इस तरीके नाल जदों असीं कोई भी चीज़ आ, जे आपां कहने आ फा इला तुन फा इला तुन फा इला तुन फा इला, हुण मैं आखिरी फा इला तुन नालों तुन चक दित्ता, ते उह एक तरीके नाल हुण मेरा बैलेंस तो नवां बन गया, पर वो इस बैर नूं आपां नवीं नहीं कहांगे। हले रमल बैर बनदी ना फा इला तुन दे नाल, ते ये रमल बैर दा ही हिस्सा हो गया, ते पर इनू एक जिहाफ लग गई है। ते ना जिहाफां दे नाम ने, ते पर वो नाम आपां थोड़े थोड़े सिखांगे भी, पर जिद्दां जिद्दां उदाहरण दी उद्दां, क्योंकि जे एक बारी आपां नाम लई जाइए तां उहदा कोई मतलब नहीं बनदा। थोड़े थोड़े करके आपां नाम भी सीखांगे, पर तुहानूं सारे सीखण दी लोड़ नहीं, पर एक जरूर तुसीं ख्याल रखना कि जिहड़ियां इह बहरां ने, इन्हां दे विच कांटी छांटी हो जांदी आ। इहदे विच जिहड़े रुकन आंदे आ, ओह रुकना दे विच घटा वधा करके कवि अपने हिसाब नाल उहनूं एक वारी सैट कर लैंदा, ते जदों उहने एक लाइन अपनी उस हिसाब नाल बना लई, ते फिर उहन सारियां लाइनां उसे हिसाब नाल बना लैणीਆਂ। इत्थे मैं तुहानूं इह दस दियां कि जदों आपां कोई रुकन 4 बारी एक लाइन दे विच वरतदे आ, जानी कि गज़ल दे शेर दे विच ओह 2 लाइनां दे विच 8 बारी वरतिया जांदा, तां उहनूं कहंदे आ मुसम्मन। उस बैर दे नां दे विच मुसम्मन जरूर आना। जिद्दां आपां कह दईए फा इलन 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 फा इलन, यह 8 बार आ गई। तो ये जिहड़ा बैर इदां बननी आ, उस बैर के नाँ के मुसम्मन आना। तो जे उस बैर के कुछ भी ना होया, जाने कि फा इलन का कोई कट बड़ ना की हुई, वो आप अगे चल के देखते हैं, तो वो नाल लिखा होना सालिम। हूँ जिस बैर का नाँ तुसीं कहने, बैर का नाँ है मुतदारिक, तो ये कोई चेंज नहीं की हुई, 8 बार फा इलन आँदा, तो आप कहांगे ये बैर है मुतदारिक मुसम्मन सालिम। तो जे 3 बारी एक दे विच आवे फा इलन फा इलन फा इलन फा इलन फा इलन फा इलन, बस इड्डी लाइन होवे, तां उहनूं आम तौर ते कहंदे मुसद्दस। ते कई बारी लंबी बहर हुंदी आ, उहदे विच एक लाइन दे विच 8 बार वरतिया जांदा, 2 लाइनां दे विच 16 बार उही रुकन वरतिया जांदा, उहदे नां दे विच आना साजदां। ते इत्थे एक बारी मैं तुहानूं फेर दस दियां कि चक्कर की आ अरूज दे विच। अरूज दे विच सब तो पहलां आपां देखणा मुतहरक की आ ते साकन की आ। उन्होंने अपने सुभाव मुताबक उन्होंने बन जाना हैगा आ सबब खफीफ जां सबब सकील, दो ने, ते तिन्ना ने बन जाना वतद मजमू जां वतद मफरूक जां कदे कदे वतद कसरत। तो उन्होंने फिर इकट्ठे होके सबब खफीफ सकीलां ते वतद मजमू ते मफरूकां ने इकट्ठे होके 8 वट्टे बनाने आ, जिहड़े आपां 8 रुकन जां अरकान जां फाइल सिक्खे आ। उन्हां 8 फाइलों नूं फिर बख-बख इकट्ठे करके 19 बहरां बनाणियां। ते हुण अगे सच एक गल होर कि उन्हां बहरां नूं फिर जिहाफां भी लग जांदियां, उन्हां बहरां दी जाण के कांट छांट भी हो जांदी आ। ते हुण आपां अगले पार्ट दे विच देखदे आ, पहिलां तो शुरू करके पहली बहर तो एक एक बहर करके आपां देखदे आ कुछ उदाहरण।